अस्सलामुअलैकुम। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का चैप्टर जो है वो पढ़ रहे थे। हमने पिछले टॉपिक के अंदर देखा था कि हमारे पास जब भी एक कंडक्टर जो है उसको हम एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं और उस कंडक्टर के अंदर से जब करंट का फ्लो हो रहा होता है तो उस टाइम हमारे पास जो कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड होता है और एक जो हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया होता है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स के दरमियान में इंट्रैक्शन होता है और एज ए रिजल्ट हमारे पास जो कंडक्टर होता है उसके ऊपर एक फोर्स जो है वो एक्ट करती है। अब इस टॉपिक के अंदर हमने देखना है टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने कंडक्टर की जगह पे वायर की जगह पे हमने क्या कर दिया, एक कॉइल बना दिया। इस कॉइल की सिंगल टर्न जो है मैंने शो की हुई है, ये हमारे पास एक कॉइल है जिसकी एक सिंगल टर्न है, उसको मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास ये प्रिंसिपल क्या कहता है। इसके मुताबिक यह है कि जब भी आप एक कॉइल को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से रखेंगे, प्लेस करेंगे और इस कॉइल के अंदर से करंट का फ्लो होगा तो उस टाइम क्या होगा, हमारे पास इसके ऊपर एक टॉर्क जो है वो एक्ट करेगा जिसकी वजह से हमारे पास ये जो कॉइल है ये रोटेट करना शुरू हो जाती है। तो अब हमने क्या किया होता है कि इस कॉइल के साथ आपकी शाफ्ट अटैच की होती है जिसकी वजह से हमारे पास जो भी एनर्जी जनरेट होती है मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं और हमारे पास क्या हो रहा है कि इसकी मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म के अंदर हमारे पास मोशन की फॉर्म के अंदर हमारे पास एनर्जी जो है वो अचीव हो रही होती है। अब इस एनर्जी को आप आगे यूज कर सकते हैं, इसके लिए आप क्या करते हैं, इस कॉइल को अटैच करते हैं एक शाफ्ट के साथ। शाफ्ट हमारे पास एक रॉड के अंदर जिससे एनर्जी होती है मैकेनिकल एनर्जी आप आगे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये रूल जो है यूज किया जाता है एक इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर, जहाँ पे हम क्या करते हैं एक कॉइल प्लेस करते हैं और उसकी जो एनर्जी होती है उसको यूज करके हम कोई भी यूजफुल काम जो है वो करते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये कैसे काम जो है वो कर रही है। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर देखा जाए तो हमारे पास एक कॉइल है पी क्यू आर एस जिसको हमने प्लेस किया है, दो पोल्स हैं एक परमानेंट मैग्नेट के, नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो यहाँ से देखा जाए तो हमारे पास ये जो दोनों पोल होंगे हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होगी। और दूसरी बात यह है कि हमने हमारे पास जो कॉइल है इसको अटैच किया है एक बैटरी के साथ, तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अटैच है लेफ्ट साइड पे और नेगेटिव टर्मिनल अटैच है राइट साइड में, इसलिए हमारे पास करंट की डायरेक्शन इस साइड के ऊपर अपवर्ड, इस साइड के ऊपर डाउनवर्ड। अब हम ये देखना चाहते हैं हमारे पास ये जो कॉइल हमने प्लेस की है इसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस कौन कौन सी होंगी। तो यहाँ से हमने एक बात याद रखनी है कि जब भी हमारे पास जो कंडक्टर होता है वायर होती है उसको पैरेलल टू द फील्ड रखा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जब आप उसको प्लेस करते हैं उसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करती, लेकिन अगर आप उसको परपेंडिकुलर टू द फील्ड रखते हैं तब उसके ऊपर फोर्स एक्ट करती है। अब हमारे पास पी आर और क्यू एस साइड है वो फील्ड के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इन दोनों साइडों के ऊपर फोर्स लगेगी जबकि पी क्यू साइड के ऊपर कोई भी फोर्स जो है हमारे पास नहीं होगी। अब हम ये निकालना चाहते हैं कि हमारे पास जो फोर्स की डायरेक्शन होगी पी आर के ऊपर और क्यू एस साइड के ऊपर वो किस डायरेक्शन में होगी, हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो उसके लिए हम यूज करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो कि हमने पिछले टॉपिक के अंदर भी डिस्कस किया था। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक आपने क्या करना है, अपनी थंब मिडिल फिंगर और फोर फिंगर को इस तरह प्लेस करेंगे तीनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जो आपकी फोर फिंगर है उसको फील्ड की डायरेक्शन के अंदर रखना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो मैंने इसको प्लेस कर लिया। और ये जो हमारे पास मिडिल फिंगर है इसको आपने रखना है करंट की डायरेक्शन के अंदर, तो करंट की डायरेक्शन यहाँ से हमारे पास आउटवर्ड आ रही है, मैं देखूंगा तो यहाँ पे हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी अपवर्ड होगी, तो इस तरह फोर्स की डायरेक्शन होगी अपवर्ड। जबकि अगर मैं पी आर साइड के ऊपर देखूंगा तो आप हमारे पास करंट की डायरेक्शन क्या होगी है अपोजिट होगी है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा अपने जो रूल है उसको ये फिंगर जो इसको चेंज करना पड़ेगा, मैं इसको इस तरह करूंगा तो फोर्स की डायरेक्शन आ जाएगी डाउनवर्ड। अब इसके मतलब हमारे पास जो कॉइल ये साइड इसके ऊपर फोर्स अपवर्ड लग रही है, ये वाली साइड इसके ऊपर फोर्स जो है वो डाउनवर्ड लग रही है। अब हमारे पास एक ही बॉडी है जिसके ऊपर दो फोर्सेज एक्ट कर रही है, वो दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड के अंदर तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन के अंदर जो है वो अपोजिट है, तो ये दोनों फोर्स मिलकर बना देती है कपल। और जब भी कपल किसी चीज के ऊपर एक्ट करता है तो एज ए रिजल्ट उस बॉडी के अंदर क्या होता है टॉर्क जो है वो क्रिएट हो जाता है।
अब ये जो दोनों फोर्स एक्ट कर रही है ये टॉर्क क्रिएट करती है, उस टॉर्क की वजह से हमारे पास ये कॉइल होती है वो रोटेट करना शुरू हो जाती है। अब क्योंकि हमारे पास ये वाली फोर्स अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, हमारे पास जो फोर्स जो डायरेक्शन होगा रोटेशन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज है वो होगी। तो इस तरह हमारे पास जब भी हम ये कॉइल को प्लेस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो उसके ऊपर टॉर्क एक्ट करता है जिसकी वजह से वो रोटेट करना शुरू कर देती है। तो अभी हमने रिसेंटली पढ़ा कि हमारे पास जब ये कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उसके ऊपर टॉर्क भी वो एक्ट करता है। अब इसी प्रिंसिपल को यूज करके हमारे पास डिवाइस है जो कि काम करती है, उसका नाम है डीसी मोटर। तो डीसी मोटर बेसिकली क्या है कि हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी मशीन है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। तो ऐसी डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी के, उसको हम नाम देते हैं डीसी मोटर। तो डीसी मोटर बेसिकली ऑपरेट होती है डायरेक्ट करंट के ऊपर, अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर ऑपरेट नहीं होती। तो इसकी जो इनपुट होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, इसकी आउटपुट होती है हमारे पास वो मैकेनिकल एनर्जी होती है। तो इसका जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क। प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क की प्रैक्टिस करती है, जिसका मतलब यह है कि जब भी हम एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर एक टॉर्क एक्ट करता है जिस टॉर्क की वजह से वो रोटेट होती है। तो इस टॉर्क को प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क को यूज करके हमारी मोटर जो होती है वो ऑपरेट होती है। तो हमारे पास कंस्ट्रक्शन के अंदर देखा जाए तो हमारे पास सबसे पहले चीज है हमारे पास मैग्नेट। तो मैग्नेट ने क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोवाइड करना है। अब यहाँ पे जो मैंने मैग्नेट शो करवाए हैं हमारे पास परमानेंट मैग्नेट है। तो आप डीसी मोटर के परमानेंट मैग्नेट भी यूज कर सकते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेट भी यूज कर सकते हैं। तो डीसी मोटर जो होती है ज्यादातर यूज की जाती है छोटे लेवल के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल आपके पास हेयर ट्रिमर्स हैं उनके अंदर यूज की जाती है, या जो टॉयज देखते हैं बच्चों के उनके अंदर यूज की जाती है। तो वहाँ पे ज्यादातर जो है परमानेंट मैग्नेट ही यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट की जरूरत हमें वहाँ पे नहीं पड़ती। तो सबसे पहली चीज होगी हमारे पास मैग्नेट, दूसरी चीज है हमारे पास कॉइल। डीसी मोटर के अंदर जो कॉइल यूज होती है उसको हम कहते हैं आर्मेचर। कॉइल बेसिकली क्या है, हमारे पास एक वायर है जिसको हमने वाउंड किया हुआ है, उसकी टर्न्स बनाई हुई है। तो यहाँ पे मैंने जो आर्मेचर शो करवाया वो हमारे पास है ए बी सी डी, इसको मैंने प्लेस किया हुआ है इन दोनों नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान में। उसके बाद मैंने क्या किया है, आगे मेरे पास है स्प्लिट रिंग, ये जो एक्स और वाई आपको नजर आ रहे हैं ये हमारे पास है स्प्लिट रिंग। अब स्प्लिट रिंग का काम यह है कि जब भी आपके पास मोटर रोटेट होती है तो उसके बाद क्या होता है कि अगर आपके पास स्प्लिट रिंग यूज ना किए जाए तो आपके पास मोटर की जो रोटेशन होती है वो हर हाफ साइकिल के बाद चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल आपकी मोटर रोटेट कर दी, उसने हाफ साइकिल कंप्लीट किया, ऐसे रोटेट कर दी, अब उसके बाद डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो जाएगी, इसकी वजह से मोटर दोबारा वापस पोजिशन के अंदर चली जाएगी। तो इस स्प्लिट रिंग का काम यह है इसने डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज होने से रोकना है। इसका देखिए आप, अगर यहाँ पे हमारे स्प्लिट रिंग अटैच नहीं है तो क्या होगा कि हमारे पास जैसे ही कनेक्शन चेंज होगा तो ये हमारे पास जो पहले ए बी साइड इधर पॉजिटिव के साथ अटैच थी, अब वो जब अगर परमानेंटली पॉजिटिव के साथ अटैच रहेगी जब रोटेट करेगी उस तरफ जाएगी तो अभी हमारे पास जो ए बी साइड होगी उसके अंदर करंट की डायरेक्शन हो ही जाएगी, जिसकी वजह से उसके ऊपर जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी वो अपोजिट हो जाएगी, जिसकी वजह से वो दोबारा वापस इस तरफ रोटेट करेगी। पहले हाफ साइकिल इस तरफ कम्प्लीट किया दोबारा उसी डायरेक्शन की तरफ वापस आ जाएगी। इसका मजीद मैं डिटेल में बताता हूँ, आपको इसकी समझ लग जाएगी। उसके बाद हमारे पास कार्बन ब्रशेस है। ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स नजर आ रहे हैं आपको, ये आपके पास है कार्बन ब्रशेस। कार्बन ब्रशेस का काम यह है, अब चूंकि हमारे पास मोटर जो है वो कॉन्स्टेंटली रोटेट हो रही है लेकिन आपने उसको प्रोवाइड करना है करंट। अब अगर हम एक वायर यूज करके इसको करंट सप्लाई करते हैं तो उससे क्या होगा कि वायर उसके साथ निपटना शुरू हो जाएगी, क्योंकि बार बार जो चीज रोटेट हो रही है उसके साथ अगर हमने वायर अटैच की हुई है तो वो वायर क्या करेगी, इसके साथ निपटना शुरू हो जाएगी। तो इसका मसले को हल करने के लिए हम यूज करते हैं कार्बन ब्रशेस। कार्बन ब्रशेस क्या करते हैं, हमारे स्प्रिंग रिंग के साथ कॉन्स्टेंटली अटैच रहते हैं, इनकी बैक साइड पर स्प्रिंग लगाते हैं, इनको प्रेस करके रखता है। तो फॉर एग्जाम्पल ये आपकी अगर स्प्रिंग रिंग्स है तो आपके कार्बन ब्रशेस के साथ ऐसे प्रेस होते रहते हैं, साथ में मोटर रोटेट भी होती रहती है, लेकिन उसकी वजह से हमारे पास जो कार्बन ब्रशेस होते हैं सॉफ्ट मटीरियल के बनाए जाते हैं, ग्रेफाइट के बनाए जाते हैं।
तो इससे क्या होता है कि धूप तो घिसते रहते हैं लेकिन आपके पास जो हमारे पास स्प्लिट रिंग्स है इनको नुकसान नहीं पहुंचाते। इनका काम यह है कि हमारे पास प्लांट को इनसाइड और आउटसाइड जो है वो लेके जाते हैं। उसके बाद हमने अटैच किया है बैटरी। बैटरी का काम यह है इसने मालिक वायरस को करंट जो है उसको सप्लाई करना है। अब हम देखते हैं हमारे पास मोटर भी होती है वो कैसे काम करती है। तो हमने अभी बात किया हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ टार के ऊपर करके ये मोटर जो है वो एक्ट करती है। तो अभी जो हमने पोजीशन शो करवाई है यहाँ यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव साइड ए के साथ अटैच है, नेगेटिव साइड सी डी के साथ अटैच है। प्लांट इधर से अपवर्ड इधर से डाउनवर्ड, तो फ्लेम लेफ्ट हैंड रूट अगर अप्लाई किया जाए इसके ऊपर तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास डायरेक्शन ऑफ फील्ड जो है वो आएगी। तो एक तरफ फोर्स अपवर्ड दूसरी तरफ फोर्स डाउनवर्ड लगेगी। अब देखेंगे अभी क्या होगा कि जब भी ऐसी फोर्स लगेगी तो हमारे पास इस पॉइंट को रोटेट करना है, जब पॉइंट रोटेट करेगी तो उसके बाद क्या होगा हमारे पास ये वाली साइड मूव करके सीडी वाली साइड पे चली जाएगी, सीडी वाली साइड मूव करके इस तरफ आ जाएगी क्योंकि हमारे पास ये फॉर एग्जांपल ये एबी साइड है ये सीडी साइड है। जब मैं इसको रोटेट करूंगा ऐसे अब ये वाली साइड इधर चली गई ये वाली साइड इधर आ गई। उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही ये काम होगा साथ में हमारे पास ये जो स्प्लिट रिंग है ये भी अपना कनेक्शन जो होता है वो चेंज कर लेती है। अब ये वाला स्प्लिट रिंग जो है वो इस साइड पे अटैच हो जाता है, ये वाला हमारे पास इस तरफ चेंज हो जाता है। उससे क्या होता है कब जो साइड हमारे पास सीडी की तरफ आ गई है अब दोबारा सीडी के अंदर से जो करंट की डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड होगी, इस तरफ जो ए बी आगे इसके अंदर से डायरेक्शन ऑफ करंट डाउनवर्ड होगी, इसकी वजह से हमारे पास दोबारा इसके ऊपर जो टॉर्क की डायरेक्शन है वो सेम रहेगी। लेकिन अगर हम यहां से कनेक्शन चेंज नहीं करते तो उससे क्या होगा कि हमारे पास जो इस तरफ कॉइल आएगी उसके ऊपर फोर्स की डायरेक्शन टॉर्क की डायरेक्शन हमेशा सेम रहेगी, तो जिससे हमारे पास क्या होगा कि टॉर्क की डायरेक्शन बार बार चेंज होती रहेगी। तो आपकी मोटर बजाय एक डायरेक्शन के अंदर रोटेट करने के बार बार ऐसे ऐसे रोटेट करना शुरू हो जाएगी जिसकी वजह से कोई उनकी बर्न आउट जो है वो हो सकती है। अब जब भी हमारे पास मोटर बर्न खाली होती है तो उसकी वर्किंग के दौरान ऐसा भी स्टेप आता है जब हमारे पास ये जो कॉइल होती है ये दोनों फील्ड जो नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान में परपेंडिकुलर खड़ी हो जाती है। उस टाइम पे क्या होता है कि हमारे पास ये जो स्प्लिट रिंग्स हैं इनके कनेक्शन कार्बन ब्रशेस से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, उस टाइम ये दोनों कार्बन ब्रशेस के साथ अटैच नहीं होते। लेकिन उस टाइम में हमारे पास मोटर जो होती है उसके ऊपर जो इनर्शिया होता है रोटेशन की वजह से उसके पास जो इनर्शिया आ जाता है उस इनर्शिया की वजह से मोटर उस पॉइंट के ऊपर रुकती नहीं है। जैसे कि मैंने शो कराई है दोनों पोल्स के दरमियान में ऐसे खड़ी हुई है लेकिन रोटेट करते करते जब इस पोजीशन के अंदर आ जाते हैं तो उसके ऊपर लगने वाली मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो टॉर्क क्रिएट लग रहा है उसके ऊपर वो जीरो हो जाता है। लेकिन उस टाइम के ऊपर क्या होता है कि उसके पास इनर्शिया होता है, उस इनर्शिया की वजह से इस पोजीशन के ऊपर खड़ी नहीं होती बल्कि आगे की तरफ चली जाती है, जिसकी वजह से दोबारा उसका कनेक्शन जो होता है वो स्प्लिट रिंग्स के साथ और कार्बन ब्रश के साथ कनेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से मोटर जो होती है वो रोटेट करना कंटिन्यू रखती है। ये था हमारे पास प्रिंसिपल डीसी मोटर का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी।